देपालपुर क्षेत्र के ग्राम पाडलिया में मंगलवार से चल रही सूर्यवंशी गुजराती रविदास समाज द्वारा आयोजित भगवान श्री राम दरबार मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा एवं 11 कुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति शनिवार को मूर्ति और कलश स्थापना के साथ विधि विधान के साथ संपन्न हुई, जहां स्थापना से पहले गांव में श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त भक्तगण ढोल और बैंडबाजों पर खूब थिरकते हुए दिखाई दिए। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल भी पहुंचे। 11 कुंडी इस महायज्ञ में 40 जोड़ों ने प्रतिदिन यज्ञ कुंड में आहुतियाँ दी है। वहीं 5 दिनों तक चले इस महायज्ञ में यजमान जोड़ों ने विधि विधान से संपूर्ण विधि संपन्न की। शनिवार को मूर्ति और कलश स्थापना के साथ पूर्णाहुति हुई। स्थापना के पहले गांव में श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें समस्त समाज जैन भक्तगण खूब थिरके। शोभा यात्रा का पूरे गांव में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हर गली मोहल्ले में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल भी पहुंचे और यज्ञ कुंड की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समाज और गांव के हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। भंडारे का आयोजन विधायक विशाल पटेल की ओर से किया गया था। इस अवसर पर 21 गांव सहित क्षेत्र और गांव के समस्त सूर्यवंशी गुजराती रविदास समाज और भक्तजन उपस्थित थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से आज एक जबरदस्त पूरे समाज को, मुझे जैसे यहाँ आया और कहा कि बोले भैया पूरे संपूर्ण अपने देवालपुर विधानसभा के और विधानसभा से लगे हुए अनेक ऐसे गांव हैं कि उनका एकमात्र मंदिर यहाँ है, यहाँ बन गया, तो उसी की प्राण प्रतिष्ठा और उसी का यज्ञ जो आज पूर्ण हुआ है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। निर्विघ्न तरीके से निपटा, कहीं ना कहीं आप लोग सब बधाई के पात्र भी हैं और एकता की जो मिसाल आप लोगों ने यहाँ पेश करी उसके लिए बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब रही बात कहीं ना कहीं मन में हिचकिचाहट भैया के जरूर है, क्या इच्छा है आपकी, तो उन्हें बोला आप कुछ कह दीजिएगा, तो मैं ये कह दूँ कि जो आप लोगों की अपेक्षा है वो संपूर्ण पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने चुना है। और मैं आप लोगों के बीच में जब आया था तो मैंने यही कहा था कि नेता नहीं बेटा चुनोगे, और आपके बेटे के मान से ही जो आप लोग आदेश करेंगे वो सब पूरा होगा। लेकिन अभी चुनाव की आचार संहिता चल रही है, मैं खुल के मंच में माइक से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो आप लोग अपेक्षा करते हैं मुझे आप बता दीजिएगा, वो संपूर्ण पूरी मैं करूँगा। ग्राम पाडलिया गांव में करीबन 21 गांव के सभी सामाजिक लोग सभी ने मिलकर 5 दिवसीय कार्यक्रम जो यहाँ 11 कुंड रखे गए थे उसमें सबने सहयोग करा। सभी यहाँ जो 40 जोड़े थे वो बैठे और प्रतिदिन भंडारा की व्यवस्था रही। यहाँ कम से कम 5 जिले के लोग ने यहाँ आकर सहयोग दिया, भंडारा भी करवाया अपने अपने हिसाब से उन लोगों ने। जय श्री राम जी की मूर्ति स्थापना हुई, गांव में जुलूस भी निकाला गया उसका, और बहुत अच्छे से गुरुदेव की कृपा से यहाँ कार्य हुआ। जय श्री राम। बहुत ही हर्ष के साथ में हमें ये कहने को आ रहा है कि गत 5 दिनों से 11 कुंडात्मक पंचदिवसीय यज्ञ का आयोजन हो रहा था, उसमें 21 गांव के लोग बैठे थे, 40 जोड़े हुए और उसमें समस्त नगरवासियों ने मिलकर के भव्य स्वागत किया। समस्त ग्रामीण जन आए, भव्य भंडारा किया जा रहा है, भव्य भंडारा हुआ और उसके अंतर्गत जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई, शिखर कलश चढ़ाया गया और समस्त नगरजनों में इसका हर्षोल्लास के साथ में भव्य श्री राम दरबार की झांकी निकाली गई। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।